नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। खबरें विस्तृत में बढ़ने से पहले खबरें संक्षिप्त में। आपका अपना एसके लाइव न्यूज चैनल बना उत्तर बंग एवं सिक्किम का नंबर वन न्यूज चैनल। दार्जिलिंग लोकसभा सांसद ने बीओए चेयरमैन विनय तामंग को दार्जिलिंग लोकसभा चुनाव लड़ने की दी चुनौती। आज वेंकैया नायडू रखेंगे करतारपुर कॉरिडोर की नींव। सिक्किम को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लेकर आयोजित हुआ खुला मैराथन दौड़। गोरखा जनमुक्ति चालक महासंघ के नए समिति का गठन संपन्न। 26/11 की 10वीं बरसी पर अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। आपको यह सूचित करते हुए हमें काफी गर्व महसूस हो रहा है कि आपका अपना एसके लाइव न्यूज चैनल अब उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुख न्यूज चैनल बन चुका है। एसके लाइव न्यूज चैनल का प्रमुख क्षेत्र मालदा से शुरू होकर अलीपुर द्वार के साथ पूरा पहाड़ एवं सिक्किम तक है। हमारे न्यूज का सीधा प्रसारण हैथवे सेट टॉप बॉक्स के चैनल संख्या 871 से लेकर स्मार्ट टीवी, वेबसाइट, एंड्रॉइड एप्लीकेशन और सोशल मीडिया नेटवर्क पर होता है। हम 5 भाषाओं में हिंदी, बांग्ला, नेपाली, मारवाड़ी व भोजपुरी में समाचार व अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। दार्जिलिंग जिले के सांसद एसएस आलूवालिया ने दी विनय तामंग को दार्जिलिंग से लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एसएस अहलुवालिया ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामंग गुट के अध्यक्ष व नेता विनय तामंग को दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। सांसद अहलुवालिया ने एक बार फिर से दावा किया कि पहाड़ की आम लोगों की भावना ही नहीं बल्कि वहाँ के लोग भी गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुंग के साथ हैं। सांसद ने सिलीगुड़ी में भाजपा की प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ रथ यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में वर्धमान रोड स्थित शिल्पांचल भवन में आयोजित बैठक में शामिल होने के दौरान मौके पर संवाददाताओं से कहा कि विनय तामंग द्वारा की जा रही उनकी आलोचना तथा दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से स्थानीय उम्मीदवार को मैदान रखने के विनय तामंग गुट के बयान पर सांसद ने कहा कि अगर विनय तामंग को अपने आप को दार्जिलिंग का भूमिपुत्र मानते हैं तो उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। 26/11 की 10वीं बरसी पर अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया, कहा लश्कर-ए-तैयबा पर करो कार्रवाई। मुंबई हमले की 10वीं बरसी के मौके पर अमेरिका ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमले के गुनहगारों के बारे में सूचना देने पर 35 करोड़ रुपए इनाम घोषित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को कहा कि सभी अमेरिकी नागरिकों की ओर से भारत में हुए इस हमले पर हम संवेदना जताते हैं। इस बर्बर हमले में अपनी जान गंवाने वाले 6 अमेरिकी नागरिकों समेत सभी पीड़ित लोगों के प्रति हम संवेदना जताते हैं। इस हमले ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। माइक पोम्पियो ने इस मौके पर पाकिस्तान को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान की सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस हमले के दोषी को सख्त से सख्त सजा दे। पोम्पियो ने कहा कि हमले को दोषियों को अब तक न पकड़ा जाना अपनों को खोने वालों का अपमान है। गौरतलब है कि 10 साल पहले आज ही के दिन 26 नवंबर 2008 लश्कर के 10 आतंकियों ने देश के आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला किया था। इस हमले में 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हमले में 6 अमेरिकी समेत कुल 28 विदेशी नागरिकों ने भी जान गंवाई थी। इस हमले ने 60 घंटे तक पूरी दुनिया को दहला कर रखा था। रविवार बाऊपाड़ा स्थित एक भवन में श्री खाटू श्याम मित्र मंडल के आयोजन में कार्तिक महोत्सव का पालन हुआ। पेश है कुछ झलकिया। आज कार्तिक उत्सव हमारे खाटू श्याम मित्र मंडल मतलब प्रत्येक साल कार्तिक उत्सव करता है। आज भी कार्तिक उत्सव का महोत्सव हम लोग कर रहे हैं। खाटू श्याम मित्र मंडल, मैं अभिषेक मित्तल श्री खाटू श्याम मित्र मंडल से। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये बाबा श्याम का कार्तिक उत्सव हो रहा है और श्री खाटू श्याम मित्र मंडल के सभी सदस्य बड़ी धूमधाम से इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। बाबा का जन्म उत्सव है ये, कार्तिक उत्सव जन्म उत्सव जो साल में एक बार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सिक्किम के अंतर्गत सिंगताम जिला अस्पताल के डॉक्टर्स एकेडमी सोसाइटी ने आगामी 2022 तक सिक्किम को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लेकर खुला मैराथन दौड़ सहित हस्ताक्षर कार्यक्रम का किया आयोजन। सिक्किम के सिंगताम में रन विथ डॉक्टर्स फॉर टीबी फ्री सिक्किम नामक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिक्किम के स्वास्थ्य मंत्री ए.के. घतानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यह दौड़ सुबह 7 बजे पुरुष वर्ग का तथा 7:15 पर महिला वर्ग की दौड़ शुरू हुई, जिसे खुला मैराथन दौड़ के सचिव विशाल चौहान ने झंडा दिखाकर रवाना किया। इसके साथ
डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पायलट के रूप में बाइक रैली निकाली। महिला वर्ग के दौर में प्रथम मन माया, द्वितीय भारती गुरुंग व तृतीय शांति थापा तथा पुरुष वर्ग की दौर में नरप्रसाद राय प्रथम, धीरज राय द्वितीय व अविनाश राय तृतीय रूप में विजयी हुए। सभी महिला व पुरुष वर्गों को पुरस्कार स्वरूप प्रथम को 10,000 रुपये, द्वितीय को 5,000 रुपये तथा तृतीय को 3,000 रुपये पुरस्कार समेत ट्रॉफी व अन्य प्रमाण पत्र प्रदान की गई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। तो बेहुनरों से बचिए और हुनरमंद को ही काम दीजिए। फोटोज एंड वीडियोस आर मेमोरीज फॉर लाइफ, लीव इट फॉर प्रोफेशनल्स। For photography and videography, contact Somani Institute of the G Vision and Productions. Mobile number 9434023813. Interested to learn photography, but don't have time on weekdays? Good news! We have started weekly classes on Sundays. Admission going on. Enroll now. Contact 7384634846, 7797945262, 9832078906. Address: Somani Institute of the G Vision and Productions, Ashram Pada, Ramkrishna Road, beside Angela High School, Siliguri. SK Live is 21st century internet news channel, now also available on Hathaway Box channel number 871 on traditional TV. SK Live is the first and independent internet and traditional news channel in North Bengal and Sikkim, committed to providing complete news and live debate to global audience in 5 different languages, viz. Hindi, Bengali, Nepali, Marwari and Bhojpuri. We streamed over the internet and onto your TV device, smart as well as cable, computer or smartphone, and our original television contained produced HD video. Break ke baad khabre vistar se. आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रखेंगे पाकिस्तान बॉर्डर के सटे मान गांव में करतारपुर कॉरिडोर की नींव। उपस्थित रहेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव की 550वीं जयंती 2019 में मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ही करतारपुर साहिब का मुद्दा भारत पाकिस्तान की राजनीति में गरमाया हुआ है। पहले पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया और फिर भारत सरकार ने भी करतारपुर कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज करतारपुर कॉरिडोर की नींव रखेंगे। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ रहेंगे। इसके तहत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे मानगांव में डेरा बाबा नानक पिंड और करतारपुर साहिब रोड कॉरिडोर को तैयार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, हरसिमरत कौर बादल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। बता दें कि 28 नवंबर को पाकिस्तान भी अपने इलाके में करतारपुर साहिब के लिए कॉरिडोर की नींव रखेगा। इस कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वहीं 5 किलोमीटर तक इलाके को सील किया गया है। आज़ादी के बाद शायद ऐसा पहली बार होगा जब बिना किसी रोक टोक के लोग बॉर्डर पार कर सकेंगे। यही कारण है कि इस कॉरिडोर की भारत और पाकिस्तान के बीच अमन की एक नई आशा के तौर पर देखा जा रहा है। गोरखा जनमुक्ति चालक महासंघ के पुराने कार्यकारिणी समिति का विघटन कर नए समिति का गठन संपन्न। कालिंपोंग के महासंघ कार्यालय में गोरखा जनमुक्ति चालक महासंघ के पुराने कार्यकारिणी समिति को भंग कर नए समिति का गठन किया गया। इस नए समिति में अध्यक्ष के रूप में महेंद्र गुरुंग का चुनाव किया गया। इस दौरान सभा में कालिंपोंग के विभिन्न रूटों के चालक संगठन के प्रतिनिधि चालक उपस्थित थे। इसके साथ महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में वीरेन लामा व कुशान घिसिंग का चयन किया गया। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की 131वीं जन्म जयंती को केंद्र कर उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में हुआ उत्सव का आयोजन। इस अवसर पर रविवार उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में इस्लामपुर हाई स्कूल के मैदान परिसर में एक धर्म सभा व विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। दार्जिलिंग जिला के अंतर्गत आने वाले बीजनबाड़ी एक साहित्यिक कार्यक्रम के बीच कवि केवी गुरु गोरखा के दूसरे कविता संग्रह अनुराग को विधिवत हुआ विमोचन। दार्जिलिंग के बीजनबाड़ी स्थित स्थानीय गोरखा दुख निवारक सम्मेलन भवन के लाइब्रेरी भवन में आयोजित कार्यक्रम में मनिका मुखिया, साहित्यकार केवल चंद्र लामा, गुप्त प्रधान, पूरन गिरी, सागमू लेपचा के साथ अन्य साहित्यकार उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिन आले ने की। इस जीटेनएस को लाइब्रेरी हॉल में अनुराग
नामक कत्य स्मृति निवेदन कार्यक्रम संपन्न भइरहेको छ। उक्त कार्यक्रम का सभापति मध्ये श्री मान हरिन आलेज्यू, साथी इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि एक अग्रज एस अनि वहाँ सजग अनि वहाँ साहित्यकार हुनुहुन्छ सुश्री मनिका मुखियाज्यू र अन्य कतिपय विशिष्ट अतिथि केलचन्द्र लामाज्यू, नगेन्द्र गोर्खाज्यू, चित्रकार श्री सुरज प्रधानज्यू अनि एक ख्याति प्राप्त संगीतकार गायक श्रीमान बसन्त छेत्रीज्यू अनि यस कार्यक्रमको सम्पूर्ण उद्घोषित सम्पूर्ण कार्यक्रमको उद्घोषिका श्रीमती सविता संकल्प जो एक साहित्यकार हुनुहुन्छ र आज यस कार्यक्रममा यस यो अनुराग नामक कवित संग्रहको लोकार्पण भइसकेको छ। रविवार सेवक रोड स्थित एक भवन में बाबा गंगाराम आराधना महोत्सव का पालन किया गया। इस कार्यक्रम का कुछ विशेष झलकिया। बाबा गंगाराम आराधना महोत्सव का आयोजन किया गया है। विष्णु बाबा गंगाराम विष्णु के अवतार हैं, झुंझुनू में इनका मंदिर है, उनका जो है जगह जगह सारे देश में जो है उनकी समितियां गठित हुई है। कलयुग में ही इनको चमत्कारी देव है ये। और बाबा गंगाराम जी का जो है उत्सव जो उनके भक्त हैं भक्त शिरोमणि देवकी नंदन और उनकी पत्नी आराधिका परम आराधिका माता गायत्री देवी, उन्होंने ये मंदिर का प्रस्थापना की थी। उन्होंने अपना धन वैभव समुच्चा त्याग कर करके जो है ये मंदिर बनाने के बाद जो है ये समुच्चा त्याग करके उनके चार पुत्रियाँ और दो पुत्र और आज भी बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने कोई शादी ब्याह नहीं की और जो है आज बाबा की सेवा में लगे हुए हैं और सेवा में ही करते अपना जीवन बिताया है। इतना बड़ा त्याग हरिश्चंद्र ने सतयुग में किया था, उससे भी बड़ा त्याग आज इस परिवार ने किया है, उसकी जो है महिमा। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे एसके लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।